नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने शासन देश के उल्लंघन को लेकर के जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। जिले के अधिकारी स्वयं सहायता समूह के द्वारा यूनिफॉर्म सिलवाने का डाल रहे दबाव। विद्यालय प्रबंधक समिति के अधिकारियों का किया जा रहा हनन। मामला जिला अधिकारी कार्यालय बांदा का है। बांदा से ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। आज जिला अधिकारी कार्यालय आए हैं ज्ञापन देने के लिए। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सरकार द्वारा शासनादेश जारी करके वहां पढ़ रहे बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कढ़ाई करने का काम विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से दिया गया है। लेकिन दूर दूर के ब्लाकों में NRLM के नाम पर तमाम समूह जिन्होंने अपने आप को स्वैच्छिक बना रखा है, उन्होंने शिक्षकों पर अनर्गल दबाव डालते हुए शासनादेश को दरकिनार करते हुए काम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके उनके साथ उनका सहयोग तमाम खंड विकास अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी दे रहे हैं, जिन लोगों ने लिखित रूप से पत्र जारी करके किसी एक विशेष फर्म के लिए आदेश तक जारी किया है कि आप इनसे ही केवल काम कराएंगे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि शासनादेश को दत्ता बताते हुए अधिकारियों द्वारा शासनादेश को उल्लंघन किया जा रहा है, शिक्षकों पर अनर्गल दबाव डाला जा रहा है ताकि वो शासनादेश को उल्लंघन करें। इसी क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज हम सभी लोग ये सूचित करने आए हैं, शिकायत करने आए हैं कि इससे अधिकारियों को इससे रोका जाए, और यदि नहीं इस बात के लिए रोका जाएगा संगठन अपने नहीं तो किसी एक संस्था को इंडिकेशन करना ये पक्षपात रवैया नहीं लग रहा? जी वही इसी पक्षपात रवैये को। जनपद में 5,000 से ऊपर स्वयं सहायता समूह हैं, लेकिन केवल 2 या 3 स्वयं सहायता समूह के लिए वो भी अधिकारी द्वारा लिखित आदेश जारी करना, ये स्पष्ट पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें इंटरनल रूप से हिडन रूप ऐसी से, कितनी संस्थाएं हैं जिनके लिए लेटर जारी किया गया है? लगभग अलग अलग किसी ब्लॉक में तो मात्र एक के लिए ही जारी किया गया है, इसी से सिलाई कराना है। किसी ब्लॉक में दो तीन के लिए जारी किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति एवं प्रधानाध्यापक की जो है संयुक्त ना प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंध समिति इसमें शामिल ही नहीं है कहीं। अच्छा। केवल अधिकारियों का स्वयं का निर्णय और शासन उत्तरदायित्व कौन होगा इस पे? अगर मान लीजिए घटिया सामग्री आदेश करते हैं कि इससे सिलाया जाए, जबकि नियमता है विद्यालय प्रबंध समिति के लिए ये अधिकार सुरक्षित है कि वो किसी भी स्थानीय टेलर से भी, गरीब स्थानीय टेलर जो बैठा हुआ है, जो दर्जी बैठे हुए हैं वो भी गरीब हैं, यदि उनसे काम कराया जाता है तो उसमें कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसमें अधिकारियों का हित है वो उनकी केवल बात कर रहे हैं, इसी बात की शिकायत माननीय जिलाधिकारी महोदय। आपका शुभ नाम क्या है? आशुतोष त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बांदा।